बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। की फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले शुरू करते हैं शहीन समंदरी तूफान के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ओमान के एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है आम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स की तरफ कि वो वॉलंटियर बनकर, रजाकार बनकर इन तमाम कंपेन्स के अंदर हिस्सा लें और सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जिन इलाकों के अंदर शहीन समंदरी तूफान आया और उसके पास जितने भी जो दरख्त वगैरह डैमेज हुए उनकी रिपेयरमेंट की जाए, उनकी रिप्लेसमेंट की जाए। जी हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान के जिन इलाकों के अंदर शहीन समंदरी तूफान आया वहाँ पर जो पौधे वगैरह वो टूट फूट गए हैं, तो इस हवाले से रिक्वेस्ट की गई है रजाकारों की तरफ कि वो तमाम इन कामों के अंदर हिस्सा लें और जल्द अज जल्द तमाम चीज़ों को रिपेयर करें। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ आरोपी की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि हम लोगों ने 29 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किए जो कि इनलीगल तरीके से यानी कि डंकी लगाकर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल हो रहे थे। जब आप लोग देख सकते हैं आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि 29 ऐसे लोग जो कि नॉर्थ बातना के इलाके के सैले समंदर से दाखिल हो रहे थे, एंट्री मार रहे थे सल्तनत ऑफ ओमान में, तो उनको भी गिरफ्तार किया आरोपी ने और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस चाहे के थ्रू हम आप लोगों को यही कहेंगे कि वीज़ा वगैरह परचेज़ कर कर लीगल तरीके से जहाँ पर भी जाएँ सल्तनत ऑफ ओमान का, दुनिया के किसी भी हिस्से पे जाएँ, वीज़ा वगैरह परचेज़ करने के बाद ही आप लोग जाएँ। इसके अलावा यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के पुराने सदर जैसे आप लोग जानते हैं कोनल पावल, आज उनका इंतकाल हो गया। आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि इनकी उम्र 84 साल थी और बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से कोनल पावल की भी मौत हुई है। जब आप लोग देख सकते हैं कोनल पावल जो कि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल थे बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं, उनका कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। अब आप लोगों को एक दुबई की खबर से आगाह करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूला लंदन इंग्लैंड के अंदर मौजूद था, लेकिन अभी दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राउंड झूला लगा दिया गया है। जी आप लोग देख सकते हैं जो स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है कि 250 मीटर ऊंचा झूला दुबई के अंदर ये लगाया गया है। इसके हवाले से मजीद बताया गया कि इस झूले के अंदर 48 केबन है और हर केबन के अंदर 10 अफराद बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके टिकट्स की प्राइस है बहुत ज़्यादा लो है, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं। आप लोग देख सकते हैं 100 दरम से लेकर 130 दरम तक यानी कि ओमानी 10 रियाल से लेकर 13 रियाल के अंदर इसका टिकट है। और इसके अलावा इसकी टाइमिंग 38 मिनट तक की है, यानी कि 38 मिनट एक बार आप लोग सवार हो जाएंगे तो 38 मिनट तक आप लोग इससे लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। तो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यूएई के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा झूला लगाया गया है। और जो लोग अब यूएई के अंदर जाएंगे एंड दुबई का ये झूला कम पैसों के एवज लाजमी इंजॉयमेंट करेंगे। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी और इंशाल्लाह जैसे और भी जितनी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोग को देंगे। राफ़िज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।